नमस्कार दोस्तों, BSK फार्मेसी दोस्त चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन Li-52DS। तो इस सिरप के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या इसकी प्राइस है, क्या यूज़ है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या डोज है। तो इन सभी टॉपिकों पर मैं इस वीडियो में बात करूँगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए अगले वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका लाभ सबसे पहले ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ Li-52DS सिरप की, जो कि हिमालया कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये पूर्णतः आयुर्वेदिक है। तो आयुर्वेदिक होने के कारण इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो उससे पहले बात करते हैं हम इसके यूज़ की, तो कि क्या इसके यूज़ हैं, किसमें ये प्रयोग की जाती है मेडिसिन, किस बीमारी में। तो उस बीमारी पर बात कर लेते हैं। ये एक लीवर टॉनिक है। लीवर से संबंधित कोई भी समस्या अगर है तो आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको जॉइंटिस है, जैसे पीलिया अगर हो गया है, लीवर फैटी हो गया है, फैटी लीवर मतलब लीवर के ऊपर मांस बढ़ने लगता है, लीवर बढ़ने लगता है, तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। और तो क्या है कि जब फैटी लीवर हो जाता है, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, लीवर सही से काम नहीं करता है, तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है हमारे डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ा जाता है, काम नहीं करता है। तो डाइजेशन सिस्टम को सही रखने के लिए सबसे अच्छा अंग जो है मुख्य रूप से भाग लेता है वो है लीवर। लीवर डाइजेशन में बहुत ही सहायक है, इसलिए अगर लीवर में कोई समस्या आ जाती है तो हमारा पूरा डाइजेशन ही गड़बड़ हो जाता है। तो लीवर जो है डाइजेशन की जो भी क्रियाएं होती हैं उसको पूरी तरीके से कंट्रोल में रखता है। तो इसलिए लीवर को बचा के रखना, लीवर को स्वस्थ रखना हमारी ज़िम्मेदारी रहती है। तो अगर उसी समस्या को दूर करने के लिए, लीवर से संबंधित जितनी भी समस्या हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए इस सिरप का यूज़ किया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस हो जाती है तो हेपेटाइटिस में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। अगर जॉइंटिस है, पीलिया है, तो उसमें इस सिरप का यूज़ किया जाता है। क्या होता है, खून बनना कम हो जाता है, लीवर काम करना छोड़ देता है, तो उस स्थिति को और शरीर में पीलापन आ जाता है, तो उस स्थिति को जॉइंटिस या पीलिया कहते हैं। तो इसी तरीके की किसी भी प्रकार की लीवर संबंधित बीमारी को ये दूर करता है। और साथ ही अगर स्वेलिंग है पेट में, अंगों में, तो उस सूजन को भी ये कम करता है। तो इस सिरप को यूज़ करने से क्या लाभ होगा कि आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, आपको भूख लगने लगेगी, और साथ ही जब आपको भूख लगने लगे तो आपका काम में मन भी लगेगा। और गैस की समस्या अगर है तो उसमें भी ये आराम देता है। तो ये 100 ml का सिरप है, जिसका जो कि Li-52DS के नाम से है। ये Li-52 प्लेन भी आता है 100 ml और 200 ml के पैक में, और जो DS में आता है Li-52DS के नाम से, ये सिर्फ 100 ml के पैक में ही आता है। तो इस 100 ml के पैक की कीमत जो है वो रहती है 110 मतलब 110 रुपये का ये सिरप है 100 ml का। तो अब बात करते हैं इसकी डोज की, कि क्या इसकी मात्रा क्या रहेगी, खुराक क्या रहेगी लेने की। तो ये एडल्ट में 5 ml, आप इसको 2 बार ले सकते हैं खाना खाने से 15 मिनट पहले आपको लेनी है सिरप, और बच्चों में 1/2 चम्मच 2.5 ml 2 बार लेनी है। तो ये रहा इसका डोज कॉम्बिनेशन। और अंत में इसको
सिरप को खोल के दिखा देते हैं, बॉक्स से अनबॉक्सिंग कर देते हैं कि किस तरीके का है पैक, अंदर इसके निकलता है सिरप। तो ये रही इसकी अनबॉक्सिंग। इस तरीके की ये सिरप निकलती है और इसके ढक्कन पर भी बाकायदा हिमालय का लोगो लगा हुआ है, मतलब ऐसे लिखा है, और 100 ml का ये सिरप है। तो यही था आज का हमारा वीडियो। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।